नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पेंशन स्कीम के तहत अब इन ईपीएस पेंशनर्स को मिलेगा अगस्त से पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। जी हां फ्रेंड्स, श्रम मंत्रालय और केंद्र ने लिया इन ईपीएस पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का फैसला, ताकि वे इस कोरोना के दौर में अपनी घर गृहस्थी को ठीक से चला सके। जी हाँ फ्रेंड्स, जारी हो चुकी है अधिसूचना। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने 25 सितंबर 2008 तक या उससे पहले पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुना था, उन्हें इनका फायदा मिलेगा। इस संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा संचालित एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या उससे पहले रिटायरमेंट के समय ही अपने पेंशन फंड से एक मुश्त राशि निकाल ली थी। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्तमान में कर्मचारी को रिटायर होने पर पेंशन की 40% रकम एडवांस में दे दी जाती है, जबकि इसके बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन से 8,000 रुपये काट लिए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा अंत तक किया जाता है, लेकिन कम्यूटेशन स्कीम के तहत 15 साल की मासिक पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त दिया जाता है। 15 साल पूरा होने के बाद पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलती है। अगस्त 2020 में ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 6.3 लाख पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन।